काम कर दिया, कोई काम नहीं किया, अगले कुछ काम नहीं किया से। योगी जी ने, योगी ने क्या क्या काम नहीं करा, कोई बोलने वाले नहीं है सामने। बुलंदशहर जिले से हूँ, पक्का बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा तो मानिए मायावती सरकार रही, ऐसे भाजपा की तो आई है, अखिलेश की रही। मायावती भी निष्पक्ष एकदम सरकार टॉप की थी। क्या है उसने काम किया है उसने, वो भी बीजेपी तरह, बिल्कुल बीजेपी तरह है। बीजेपी में कोई जातिवादी नहीं है। अच्छा, मायावती की सरकार अपनी बिरादरी को लेगी। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को बताइए, बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल पर यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का सर्वे चल रहा है। गांव-गांव और घर-घर तक जाकर हम यूपी की जनता की राय जान रहे हैं, आखिर यूपी की जनता किसको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। फिलहाल हम जा रहे हैं नोएडा की तरफ, यानी बादलपुर वगैरह तमाम जो गाँव है इधर की तरफ जा रहे हैं, और हम सर्वे तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ दादा हैं, कुछ युवा हैं, और वो अपनी बात रखना चाहते थे। यूपी विधानसभा चुनाव पर ट्रक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, वो बात रखना चाहते थे, तो फिलहाल इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा मुनेश्वर प्रसाद। कौन से जिले से हो आप? मैं हाथरस जिले से हूँ। हाथरस जिले से? तो दादा हाथरस जिले की क्या क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है हाथरस जिले की क्या जनता चाहती है? यही चाहती है मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बीजेपी, बीजेपी का योगी जी है, यही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? निष्पक्ष फैसला करते हैं, जो कुछ करते हैं निष्पक्ष हो रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि एक जाति विशेष के लिए कर रहे हैं। कोई जाति विशेष के नहीं है इनके पास। अच्छा। सब जाति बराबर है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है? नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा। ये कहावत है सारी, वैसे ही आरोप, अच्छा वाले आरोप लगाते हैं, लगाते रहे। दादा कोई ऐसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई उत्तर प्रदेश में पांच काम जो कराए हों अच्छे, जो आपको ध्यान हो तो जनता के बीच रखिए। सारे ही काम अच्छे करे हैं भाई। हाँ तो बताइए। ये तो 69,000 शिक्षक भर्ती क्लियर करी। लगातार विरोध हो रहा है लखनऊ में। कोई विरोध नहीं है, करने पे बैठे नहीं है, उनका विरोध हो रहा है। जिनके नंबर ही नहीं है, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। शिक्षा मित्र विरोध कर रहे हैं इसमें। चार पाँच महीने से लखनऊ इको गार्डन पार्क में लगातार धरना उनका चल रहा है, तो ऐसे क्या है, क्या मैटर है? कोई धरना नहीं है भैया, ये सब विपक्ष वाले करा रहे हैं। जिन बच्चों का योगी नहीं, योग्यता नहीं है, और वो पैसे दे करके पास हुए हैं या कैसे हुए हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो शिक्षित है वो लगे हैं। अच्छा, जो धरना कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं, मगर वो इतने नहीं है जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आ पास हो जाए। 109-110 नंबर लाए, पास होंगे। चलिए तो इनकी दादा की बातों पर कट ऑफ थोड़ी रही। आप इन कमेंट में रह देना फिलहाल। आप दूसरा काम बताइए। दूसरा काम? दूसरा काम सारे सड़कें सही हुई है। अच्छा भाई, हमारे यहाँ तो सारी एक्सप्रेस वे का नाम, अरे एक्सप्रेस लखनऊ एक्सप्रेस चल ही रहा है, गंगा एक्सप्रेस पे चल ही रहा है, लखनऊ एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे चल ही रहा है, लखनऊ एक्सप्रेस पे चल रहा है, गंगा एक्सप्रेस पे काम चल ही रहा है, और ये बुलंदशहर वाला रोड बन ही रहा है। तो पहले के बने हुए ना, अभी बनने, अखिलेश की सरकार में बना हुआ है, तो अभी चल रहा है भैया, अभी नहीं हुआ है। यमुना एक्सप्रेस में मैं जब मायावती सरकार थी 2012 में, मायावती सरकार चली गई, इसका शिलान्यास मायावती सरकार में हुआ। वो मायावती ने बनवाया था। 2022 में 12 में अखिलेश की आ गई, फिर उसने अपने नाम पर कर लिया। उन्होंने अपने नाम पर आगे का करा है ना, ये यहाँ तक तो कुमेरपुर तक तो मायावती ने ही करवाया था। कहा दादा? अखिलेश यादव ने जो मुलायम सिंह का जन्मदिन हुआ था उस पर उसकी ओपनिंग करी थी लखनऊ एक्सप्रेस वे की। ठीक है, क्या तो ऐसा कहना जिसकी सरकार होती है तो उसका तो दबा होता है थोड़ा बहुत। ऐसे बीजेपी ने करा के जन्मदिन में क्या क्या कोई सी, बीजेपी ने तमाम कार्यालय खड़े कर दिए, विपक्षी को लोगों का आरोप है। कैसे? बीजेपी ने तमाम कार्यालय में पैसा लगा दिया, बर्बाद कर दिया पैसा। कौन कर रहा है इस बात को? कौन कर रहा है इस बात? अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव को विपक्ष तो कहेगा ही। अच्छा, विपक्ष तो कहेगा। अखिलेश यादव ने क्या काम कर दिया? ऐसा क्या काम कर दिया अखिलेश यादव ने? कोई हॉस्पिटल नहीं खड़े किए, ये सब जनता रोड पर रही। रोड पर कौन सी? अखिलेश यादव ने क्या काम कर दिया? एक काम तो बताओ, अखिलेश यादव ने क्या काम कर दिया? कोई काम नहीं किया। अखिलेश कुछ काम नहीं किया अखिलेश यादव ने? योगी जी ने, योगी ने क्या क्या काम नहीं करा, कोई बोलने वाले नहीं है सामने, कोई आवाज कर दे, कोई लड़की का बलात्कार करते हैं। हाथरस में घटना हुई। दो मिनट, कौन सी हाथरस? उसे फाइनल हुआ, वो फाइनल हुआ, फाइनल चल रहा है। फिर अखिलेश यादव में तो पता नहीं पड़ता क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा, उनकी में पता नहीं चलती, इसमें इतना है कि जो दोषी है उनको सजा मिल रही है। तुरंत मामला, तुरंत बस। संतुष्ट हो आप? संतुष्ट बिल्कुल। मायावती की सरकार थी भाई, बुलंदशहर जिले से हूँ, पक्का बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा,
माननीय मायावती की सरकार रही, ऐसे भाजपा की तो आई है अखिलेश की रही। मायावती भी निष्पक्ष से एकदम सरकार टॉप की थी मायावती। हाँ, उसको लेके उसके चमार, उसके बिरादरी आदमी, उसके बिरादरी आदमी। नहीं, फिर भी कहना है कि मायावती ने सर्व समाज के लिए काम किया। काम किया है उसने, काम किया है उसने, वो भी बीजेपी तरह, बिल्कुल बीजेपी तरह है। बीजेपी में कोई जातिवादी नहीं है। अच्छा। मायावती की सरकार अपने बिरादरी को लेगी। अच्छा, मायावती की सरकार में जाट भूले, जाट अच्छा, अन्यथा वो भी सही थी सरकार, सही अखिलेश की सही नहीं थी। अगले जाते सर नहीं है कौन। अच्छा, सारे भाई एटा इटावा और सारे लोग हर घर में तो वह नेता है, हर घर में नेता गुंडा है सा। सारे मेरा गैस की गाड़ी है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और चलने के बाद एटा में 10 बजे के बाद अगर तुम्हारी जेब से जब 80 रुपए छीन के ना ले जाए गाड़ी पे लगा के, तो मेरा मन मत बदलना। ये माहौल आ जाता है जब अखिलेश की सरकार होती है। अखिलेश की सरकार होती तब। अच्छा, तो अखिलेश आवाज करने वाला नहीं हुआ। अच्छा, तो अखिलेश की सही मायावती की, मायावती सही आपके लिए बीजेपी है। अच्छा, ये बात रही। तो मायावती भी दूसरे नंबर पे, आप दूसरे नंबर पे मायावती काम तो किए ना। मायावती ने किए, बीजेपी ने किए, अखिलेश यादव ने किए, पर वो है उसकी सरकार अच्छी नहीं है अखिलेश यादव। ब्राह्मण समाज के लिए तो मायावती भी बहुत करी उन्होंने, कई किए। हम ना तो ब्राह्मण है, ना हम कोई मुसलमान है, हम सिर्फ हिंदू हैं। हिंदू हैं आप, तो हिंदू के लिए तो तमाम किए बीजेपी। तो हमारे हिंदू में सिर्फ बीजेपी काम करती है, बीजेपी करती है, इसीलिए बीजेपी समर्थन है। समर्थन बीजेपी के लिए है अपना। क्या कह रहे थे? पूरा समर्थन बीजेपी के लिए है भाई, पूरा समर्थन बीजेपी के लिए। मैं तीन मुख्यमंत्री हैं ज्यादातर अपने देश में। हाँ। अपने प्रदेश में कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं, मायावती तो है, अखिलेश है और चंद। तो अच्छा, ये बताइए पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे शासन में मायावती थी, पहले नंबर। उन जैसा शासन किसी ने चलाया नहीं, चाहे पुलिस वाला हुआ, चाहे ब्लॉक हुई, चाहे कोई हुआ, उनका शासन उस समय बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया था। काम भी अच्छे करे। काम कैसे बिगड़ा था? काम क्या, उन्होंने ये ब्राह्मण लोग निकाल दिए थे एक साथ, इसलिए सत्ता गिर गई उनकी, सत्ता गिर गई बस। आज तो ब्राह्मण उनको याद आ रहे हैं, आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने खूब मजे लूटे हैं, लड्डू खाए हैं दोनों हाथों में, इसलिए ब्राह्मण मजे आए। और अब जूते पड़ रहे हैं, जो हराम की खाने की आदत पड़ रही है उनमें। मायावती ने तो लगभग सैकड़ों ब्राह्मणों को सांसद में, विधानसभा में भेजा। हाँ, भेजा ये सच है, बिल्कुल भेजा, सच है। मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव बने। हाँ, महासचिव बने हुए। आप संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है उनसे। संतुष्ट कि आप अगर गांव के प्रधान भी बन जाओ ना, आप गांव के प्रधान बन जाओ, ठीक है, पहली बार बन जाओगे, जनता आपको देख लेगी। आप अपने काम को, अपना तुम्हारा काम रहेगा, तुम पूरे काम गांव को संतुष्ट नहीं कर सकते। सही बात। तो ये तो देश है, इसमें हर एक आदमी कैसे संतुष्ट हो जाएगा? ठीक, उसके बाद दूसरी बार तुम जीत जाओगे, तीसरी बार तुम मुश्किल बनोगे, तुमसे खुद कट जाएगा आदमी। या मैं हूँ या तुम हो। और दादा, अच्छा काम सही किया तो गिरी क्यों, ये बताइए। भैया गिरी यूं थी, उनकी सरकार मायावती की ब्राह्मणों ने गिराई थी, ब्राह्मणों ने गिराई है। आज ब्राह्मण तो खूब जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन हर जिले में हुए, आपके जिले में भी हुए होंगे, आतरस में शास्त्री में हुआ है मेरे साथ। तो आप गए थे साहब? नहीं, मैं नहीं जा पाया भाई, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं अपनी नौकरी करता हूँ। मन कर रहा था, किसी नौकरी करता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। मन कर रहा था वैसे भाई, जाने का मन तो करता है मगर टाइम नहीं है, प्राइवेट जॉब है मेरी, आईसो में ब्राह्मण समाज, जाने का टाइम नहीं मिलता है। ब्राह्मणों ने गिराई थी, ब्राह्मणों ने गिराई थी। तो कोई मायावती ने सम्मान तो बहुत दिया था 2007 में आपको, सम्मान तो पूरा दिया था। अखिलेश ने नहीं दिया कोई? अखिलेश ने कोई सम्मान नहीं दिया, अभी थोड़ा बहुत बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी तो ब्राह्मणों की पार्टी है ही। अच्छा। तो बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है। अच्छा। उसकी तो कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ठाकुरों और बनियाओं की। अरे नहीं यार, वो सार्वजनिक पार्टी है। हाँ, वो सबकी पार्टी है, उसमें नीच ऊंच जाति वात भेद कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं, जब मायावती की जब 2017 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा, मायावती ने कहा था मुस्लिम और दलित मिलकर बना रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया इसलिए गिर पड़ी। अरे कोई दलित कोई ब्राह्मण नहीं होता उनके में सब दलित है, सब ब्राह्मण, बस मायावती। तो कोई चांस है इस बार? चांस भाई अभी कह नहीं सकते, माहौल के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, माहौल बीजेपी का दिख रहा है, बीजेपी का दिख रहा है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही, समाजवादी पार्टी तो भाई वो है कि जीरो पर, जीरो पर हमारे अल्लाह अल्लू है, अल्लाह ही अल्लाह है, बेकार करते ही अल्लाह करते, बिल्कुल बेकार। सारे मुख्यमंत्री होते हैं, जितने आदम है वो मुख्यमंत्री होते हैं इस वर्तमान में। प्रत्येक जिले में, मैनपुरी में, इटावा में, औरैया में, या
तुम्हारे एक टाइम है जितने याद हमें सब मुख्यमंत्री होते हैं, सब मुख्यमंत्री, चाहे जब कान पर मार देते हैं चाहे जब टोटल मुझे पता वहाँ हर घर में नेता, हर घर में नेता सालों पर है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, हर घर में नेता बन जाते हैं वो लोग। बस बस अच्छा, तो वर्तमान की जो आज का दिन है, आज के दिन में तो योगी है जी, और 2017 की और 12 की सरकार ही तो मायावती अच्छी, मायावती अखिलेश बिल्कुल बेकार है, ये अखिलेश की पार्टी तो बिल्कुल ही बेकार है। आप कुछ कहना चाहो? चलो बढ़िया बोला, बेहतरीन। तो फिलहाल हमारे साथ गाड़ी चल रही थी, नोएडा की सफर चल रहा था, और दिखाएंगे कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, और यूपी विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए हाथरस से दादाजी और भाई बुलंद, कौन था, बुलंदशहर से हमारे ड्राइवर भाई हैं जो हमारी मंजिल पर पहुँचाए, बहुत धन्यवाद, अच्छा बोला आपने। और फिलहाल आप देख रहे थे भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को, कमेंट में इनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।